सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ टेक डिफाइनर और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स इंडिया। तो गाइस, जब से ही कोविड 19 का सीन वगैरह स्टार्ट हुआ है, तब से हम में से बहुत सारे लोग जो कि पहले ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह नहीं करते थे, तो अब उन लोगों ने भी यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया है। बट गाइस, इसी के साथ अगर पिछले कुछ टाइम की हम बात करते हैं, जब से इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तब से ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में जो फ्रॉड्स का नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर पिछले कुछ टाइम का आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में हमें बहुत सारे फ्रॉड्स देखने को मिले हैं, फिर चाहे वो अमेजोन के हों या फिर फ्लिपकार्ट के हों। जैसे कि गाइस, किसी ने अगर आईफोन ऑर्डर किया है तो उसको आईफोन की जगह पे उसका क्लोन देखने को मिलता है, या फिर कोई स्टूडेंट अपनी पूरी सेविंग लगाकर लैपटॉप वगैरह को परचेस करता है तो उसमें जो बॉक्स निकल कर आता है उसमें बॉक्स में कुछ और होता है, लैपटॉप होता ही नहीं है, या फिर कभी कभी आप प्रोडक्ट जो मंगाते हैं वो टूटा फूटा निकलता है। तो इस टाइप के बहुत सारे फ्रॉड्स हमें देखने को मिलते हैं, और उन फ्रॉड्स में कभी कभी तो पेमेंट होता है वो रिकवर हो जाता है, बट कभी कभी जो कंपनीज होती हैं जैसे कि अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट होती है तो रिफंड करने से भी डिनाई कर देती है। तो गाइस, अभी यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि आखिरकार इन ऑनलाइन फ्रॉड से हम बचें कैसे। तो डोंट वरी गाइस, आज की इस वाली वीडियो में आपको मैं ऐसे तीन इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बताने वाला हूँ। और गाइस, अगर आप उन तीन बातों को अपने माइंड में हमेशा रखेंगे तो आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपके साथ में जो ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांस हैं वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे और आपके साथ में कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। तो गाइस, सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो आज के इस वाली वीडियो में हम amazon.in पर होने वाले फ्रॉड से बचने के बारे में बात करने वाले हैं, और जिसमें हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टिप से। तो गाइस देखिए, अभी मैंने यहाँ पर amazon.in का एप्लीकेशन ओपन कर रखा है। तो गाइस, आप जब भी कोई प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, फिर चाहे आप एप्लीकेशन से करें या फिर amazon.in की वेबसाइट से करें, आपको ध्यान यहाँ पर क्या देना है। जैसे कि सपोज कीजिए, अभी मेरे को यहाँ पर रेडमी नोट 9 प्रो बाई करना है, तो मैं इसको सर्च करूँगा। ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट में आ गया, और मैं भी यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, और आप चाहें तो वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये सेम चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ही ओपन होके आ चुका है। आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, और आपको इसके प्राइस के नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा, EMI के नीचे लिखा होगा Amazon Fulfilled, या आप देख सकते हैं ग्रे कलर में, तो ये आपको यहाँ पर ज़रूर चेक कर लेना है। इसके अलावा आपको और नीचे आना है, और नीचे आने पर आप यहाँ पर देखेंगे ये लिखा होता है यहाँ पर सोल्ड बाई, तो यहाँ पर ये सेलर का नाम होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्ड बाई दर्शिता इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये सेलर का नाम हो गया, और उसके साथ में ये लिखा हुआ है एंड फुलफिल्ड बाई Amazon। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट ये सेलर शिप करेगा तो ये Amazon फुलफिल्ड होगा, मतलब कि Amazon के द्वारा फुल्ली चेक्ड प्रोडक्ट होगा, मतलब कि आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस, और आप क्या देख सकते हैं, जो आपका सेलर है जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो उसकी आप रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दर्शिता इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो इन पर आपको टैप करना है और ये ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तो गाइस, यहाँ पर जो सेलर है दर्शिता इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर आपको इसकी रेटिंग देखने को मिल जाएगी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 96% लोगों ने इसको यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक दिया है लास्ट 12 मंथ में। और गाइस, आप साथ में यहाँ पर इसी सेलर के रिव्यू देख सकते हैं कि लोगों ने इससे कौन कौन से प्रोडक्ट को परचेज किए थे और उनका एक्सपीरियंस इस वाले सेलर के साथ में कैसा रहा। तो कोई यहाँ पर नेगेटिव स्टार भी देता है और कोई यहाँ पर पॉजिटिव स्टार भी देता है। और गाइस, ओवरऑल भी आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज में या फिर लास्ट 90 डेज में यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कितने आपको रिव्यूज देखने को मिले हैं। तो इन सब से आपको एक आइडिया हो जाता है कि सेलर कैसा है। तो आपको किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हुए दोनों चीजों को देख लेना है कि पहला तो प्रोडक्ट Amazon फुलफिल्ड हो, और साथ में अगर ये भी ना हो तो आपका जो सेलर है, आप जिससे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं, उस सेलर की रेटिंग कैसी है, कहीं वो उसकी रेटिंग डाउन तो नहीं है, बहुत 1 या 2 स्टार की तो नहीं है। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जितनी रेटिंग अच्छी होगी उतना ही प्रोडक्ट आपको बेटर वहां पर देखने को मिलेगा। ओके गाइस, तो अभी हम बात करते हैं हमारी सेकेंड टिप की, यानी कि दूसरी टिप की। तो गाइस, ये वाली टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस देखिए, जब भी अमेजोन से आपके घर पर कोई भी पैकेज या फिर बॉक्स रिसीव होता है डिलीवरी होने के बाद में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस बॉक्स या फिर उस पैकेज को आपको अपने घर पर लेकर आना है, और उसको आराम से एक आपको टेबल या फिर अपने बेड वगैरह पर रख लेना है, और उसके बाद में आपको अपने फैमिली मेम्बर या फिर अपने ही स्मार्टफोन से उस बॉक्स या फिर उस पैकेज का एक प्रॉपर वीडियो निकालना है। और गाइस, जिसमें आपको सबसे पहले क्रॉस चेक ये करना है उस वीडियो को बनाते हुए कि आपका जो बॉक्स या फिर जो पैकेज आपको रिसीव हुआ है उसमें कहीं पर कट वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, इसमें जो टेपिंग की होती है तो वो कहीं से फटी हुई तो नहीं है, या फिर आपका बॉक्स या फिर जो पैकेज है कहीं से डैमेज तो नहीं है। तो इतना सब कर लेने के बाद में उसको आपको प्रॉपर वीडियो तो बनाते ही रहना है, और उसके साथ में उस बॉक्स को या फिर उस पैकेज को आपको उस वीडियो में ही ओपन करके दिखाना है, उस वीडियो को आपको स्टॉप नहीं करना है। तो कुल मिलाकर आपको स्टार्टिंग से पहले उस पैकेज को दिखाना है उस वीडियो में, और उसके बाद में अच्छे से आपको अनबॉक्सिंग करते हुए भी उस प्रोडक्ट की या फिर उस पैकेज की आपको वीडियो
बना लेना है। तो गाइस ऐसा करने से आपके पास में प्रॉपर रियल प्रूफ हो जाएगा इनकेस आपके साथ में अगर फ्रॉड होता है, यानी कि अगर आपने जो प्रोडक्ट मंगाया था और उस पैकेज में प्रोडक्ट निकला ही नहीं, तो आपके पास में एक रियल प्रूफ होगा जो कि वीडियो के तौर पे होगा। और गाइस अगर आप उस वीडियो को अमेजोन के एजेंट्स वगैरह को शेयर करेंगे तो आपको रिफंड मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है और आपके पास में पूरा का पूरा प्रूफ रहता है। तो ध्यान रहे, आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनाना है, वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ओके गाइस, तो अभी हम बात करते हैं हमारी तीसरी टिप के बारे में। ओके गाइस, तो थर्ड टिप में हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे कि मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गया है। तो गाइस जब भी आप अमेजोन से कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह ऑर्डर करते हैं तो आपके पास में अमेजोन की तरफ एक सिक्योर पैकेज डिलीवर किया जाता है और जिसपे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, और ये दोनों ही टाइप की इंस्ट्रक्शंस आपको SMS और ईमेल के माध्यम से पहले ही भेज दी जाती हैं आपके मोबाइल फ़ोन पर। और ये सिक्योर पैकेज कुछ इस टाइप का होता है, अभी आप वीडियो में देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा होगा, और इसमें बीच में ही लिखा होता है सामने ही टेप नहीं रहना चाहिए। तो पूरे के पूरे पैकेज में कहीं पर भी अगर आपको टेप लगा हुआ दिखता है तो आपको पैकेज को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको उस पैकेज की डिलीवरी को वहां पर डिनाई कर देना है। इसके साथ में गए जो पैकेज पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उनकी अगर बात करें तो उसमें पहले इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि सुरक्षा नंबर 123 and 456 किनारे पर दिखाई दे रहा हो और विकृत ना हो, मतलब कि कटाफटा ना हो। तो इसका मतलब ये है गाइस, आपको पैकेज के लेफ्ट साइड में 123 छोटा छोटा देखने को आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, पूरे के पूरे पैकेज के लेफ्ट साइड में आपको लाइनिंग में पूरा देखने को मिल जाएगा, और ठीक वैसे ही राइट साइड में 456 आपको पैकेज पर लिखा हुआ वहां पर प्रिंट किया हुआ दिख जाएगा छोटा छोटा। तो वो कहीं से भी कटाफटा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कटाफटा मिलता है तो आपको उस पैकेज को एक्सेप्ट नहीं करना है। इसके साथ में गाइस इसमें और लिखा हुआ होता है कि जो ऊपर की साइड में यहाँ पर टेपिंग की गई होती है तो उसमें जो बीच वाली लाइन होती है वो किनारों के अलावा कहीं पर भी हरे या फिर गुलाबी रंग की ना हो, और साथ में जो ये सीलिंग टेप होता है इस पर कहीं पर भी वाइड स्टॉप या फिर बैक टेम्पर्ड लिखा हुआ ना हो। अगर आपके में ये बैक टेम्पर्ड वगैरह लिखकर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पैकेज है वो कहीं ना कहीं पर भी ओपन किया गया है और आपके प्रोडक्ट के साथ में छेड़छाड़ की गई है। ओवरऑल आपको जो पूरा पैकेज देखने को मिलता है आपको सबसे पहले वहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका पैकेज कहीं से भी कटाफटा ना हो, और जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उन सारी इंस्ट्रक्शंस को ये जस्टिफाई करता हो, कहीं से भी कटाफटा ना हो। और आपको जैसा कि मैंने पहले बताया पहले वाली स्टेप में कि आपको हमेशा अपने पैकेज की एक प्रॉपर वीडियो को तो बनाकर ही रखना है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जब भी आपके साथ में कोई फ्रॉड वगैरह होता है, तो आपको वीडियो तो हमेशा ही बनानी है अपने प्रोडक्ट या फिर अपने पैकेज की। तो गाइस ये थी तीन इंपॉर्टेंट टिप्स। तो गाइस अगर आप अमेजोन से शॉपिंग करते हुए इन तीन टिप्स को अपने ध्यान में रखते हैं और आप इन तीनों टिप्स को फॉलो करते हैं तो गाइस आपके साथ में फ्रॉड कभी भी नहीं होगा, और अगर फ्रॉड होगा भी तो आपका जो पैसा होगा वो 110% रिफंड होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो गाइस बस इतना ही था इस वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और गाइस इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। और मैं मिलता हूं आपसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे होम एंड बी गुड इन टेक, एंड बाय बाय।